हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑन एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको नोटिफिकेशन के बारे में जो मैं बताना चाहता हूं। रीजन ये है कि अभी जो मैंने वेबसाइट लॉन्च की थी परसों, उसमें काफी ज्यादा ट्रैफिक आ गया। मीन्स थाउजेंड्स ऑफ लॉगिन रिक्वेस्ट एक साथ होने के कारण और साथ ही साथ 908 पेंडिंग रजिस्ट्रेशन होने के कारण वेबसाइट का डीवी क्रैश हो गया। ये इतना ट्रैफिक मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था और मुझे ये पता नहीं था कि इतने सारे लोग इस टेस्ट सीरीज के लिए देने के लिए इंटरेस्टेड हैं। मेरे पास अभी तक 100 से ज्यादा ईमेल्स आ चुके हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल, सजेशन, इश्यूज काफी सारे हैं कि कुछ लोगों को लॉगिन नहीं हो रहा है, कुछ लोगों के साथ एग्जाम्स प्रॉब्लम जा रही है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि पूरी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं इतने सारे यूजर्स एक साथ अकोमोडेट नहीं कर सकता हूं और एक एक को इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास आप सभी के ईमेल आईडी आ चुकी है, मैं आपका अकाउंट क्रिएट कर चुका हूं, बस वेबसाइट लाइव हो जाएगी कुछ ही समय में और आप टेस्ट सीरीज दे पाएंगे। ठीक है, और बाय द वे मैं बताना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन टू प्रशांत तिवारी एज वेल एज अनिमेश स्थापक, ये उनकी ईमेल आईडी है। इन्होंने प्रीवियस टेस्ट जो 5 क्वेश्चन का हुआ था, सैंपल डेमो टेस्ट, उसमें टॉप मारा, मीन्स 100% स्कोर किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने 265 लोगों ने ये टेस्ट दिया था, मीन्स जो लोग दे पाए एग्जाम को, क्योंकि बाद में तो सर्वर क्रैश हो गया था। तो 265 में सिर्फ 2 लोगों के 100% है, मीन्स 5 में से 5 क्वेश्चन सही है। अब मैं एक और थैंक्स करना चाहता हूँ देवाशीष मिश्रा का, मीन्स मिस्टर देवाशीष, जिन्होंने बहुत ही अच्छे कमेंट्स और बहुत ही अच्छे सजेशंस मुझे दिए। साथ ही साथ मिस सुनीता, मिस हीना, जिन्होंने काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए कि मैं ये टेस्ट सीरीज को इंटीग्रेटेड तरीके से लूँ, ताकि पेपर 1 और पेपर 2 पूरे कवर हो सकें। और इस टेस्ट सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले टास्क बता दूं कि किस टॉपिक से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ताकि ये आपकी हेल्प स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सके। और आपको एग्जाम्स के बारे में पहले से पता हो कि ये क्वेश्चंस इस टॉपिक से आएंगे, ताकि आप उस टॉपिक पे पढ़ाई करेंगे देन क्वेश्चंस देंगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ओके, तो मैं आपको टाइम टेबल इस वीक का बता रहा हूँ, मीन्स ये 1 या 2 दिन का ही बता रहा हूँ मैं आपको टाइम टेबल। वैसे मैं चाहूँ तो 1 महीने का भी बना सकता हूँ, लेकिन वो पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक साथ मैं 1 महीने या 2 महीने का टाइम टेबल नहीं बना सकता। तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आपको मैं सिर्फ और सिर्फ इस एक पेपर का टारगेट बना दूं, इस टारगेट के बाद, मींस इस टारगेट को अकम्प्लिश करने के बाद दूसरा टारगेट मैं बनाऊंगा। ओके, तो टेस्ट डेट जो रहेगी ये कल की है, मींस 26th of May 2018। 26th of May 2018 को पेपर 1 और पेपर 2 का मैं टेस्ट लूंगा। पेपर 1 से आपके सिलेबस में सेकेंड टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ हर टेस्ट सीरीज में कोशिश करूंगा कि 10 क्वेश्चन कम से कम ऐड करूं, और ये आपको हेल्प करेगी। ओके, इसके अलावा आप प्रिपेयर कर सकते हैं टॉपिक 4B, जिसमें रहेगा जनरल ज्योग्राफिकल अवेयरनेस ऑफ वर्ल्ड। अब ये भी काफ़ी वास्ट टॉपिक है। ओके, तो इसमें मैं 10 क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा सिर्फ यूरोप के। ओके, तो आपको यूरोप अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें से मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा यूरोप से, और नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से 10 क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, और होपफुली ये जो करंट और नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ये आपके सिलेबस से ही रिलेटेड करंट अफेयर पूछूंगा मैं। ओके, इसके बाद आपका पेपर 1 का 6th टॉपिक है, जो है स्पोर्ट्स। इसमें मैं, वैसे बहुत सारे टॉपिक हैं स्पोर्ट्स के, लेकिन मैं कवर करूंगा फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ MP। ओके, इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे, ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा 7th टॉपिक है हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज ऑफ MP, इसके मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, तो पेपर 1 के ये टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, या तो नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट दे सकते हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी है तो। ओके, तो अब आते हैं पेपर 2 पे, मीन्स पेपर 2 पे हम टॉपिक टेस्ट लेंगे 3B का, जिसमें UGC, AICTE, MCI, NCTE एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 20 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, कल 20 क्वेश्चन इस टॉपिक के रहेंगे 3B के। वैसे मैंने इसके सबके वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। और साथ ही साथ 3D, जिसमें यूनेस्को, कोल, यूनिसेफ, ADB, वर्ल्ड बैंक, इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसके भी मैं MCQ वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि मेरे MCQ वीडियो से ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि MCQ में मैंने काफ़ी कम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और वेबसाइट में काफ़ी सारा डेटा दिया हुआ है। तो मैं सारा ऑफिशियल वेबसाइट से कोशिश करूंगा डेटा निकालने की, और उससे मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा विथ ऑप्शंस। ओके, तो इसके अलावा आप टॉपिक 5A MP यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1973 के 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा। मीन्स 10 क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा, आपको पूरा प्रिपेयर करना है ये, और आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छे स्कोर कर सकें इस टेस्ट में। तो टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेगा पेपर 1 के 40, पेपर 2 के 60। सिंस पेपर 2 का वेटेज ज़्यादा है, इसलिए मैं इसके क्वेश्चन भी ज़्यादा रखूंगा और मार्क्स भी ज़्यादा रखूंगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे,
हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेंगे, ओके। मैं जानता हूं एग्जाम में 2 मार्क्स ईच रहेगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ समझने के लिए और रैंकिंग के लिए ज्यादा आसान रहेगा कि 100 मार्क्स ही रहे टोटल क्वेश्चन के, ओके। सो अब मैं बताना चाहूंगा कि कल मीन्स 26/5/2018 26th of May 2018 को पहला टेस्ट होगा इन 100 क्वेश्चन का जो मैंने टॉपिक आपको बताए। ये वेबसाइट में 5 बजे शाम को लाइव हो जाएंगे। जिनके अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं वो आराम से दे सकेंगे, लेकिन जिनके अकाउंट क्रिएट नहीं हुए हैं तो आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे पास सबके ईमेल आईडी आ चुकी है, मैं आपका अकाउंट जल्दी ही क्रिएट कर दूंगा और कोशिश करूंगा सारे यूजर्स को एक साथ अकोमोडेट करने की, ओके। और अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक टेम्पररी आईडी और लॉगिन दे दूंगा, ओके। सो अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि 5 बजे तो टेस्ट होगा, मींस शाम को 5 बजे से आप टेस्ट दे सकेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चंस का रहेगा और इसमें आप 1 आवर के अंदर टेस्ट पेपर दे सकते हैं। और साथ ही साथ आंसर्स की बात की जाए तो डिटेल डिस्कशन का मैं एक वीडियो बनाऊंगा 100 क्वेश्चंस का, जिसमें मैं आंसर्स और साथ ही साथ ऑप्शन एलिमिनेशन या ऑप्शन से जुड़े दूसरे फैक्ट्स को इंक्लूड करूंगा। ये पब्लिश होगा कल 7 बजे शाम को, ओके। और अच्छी बात यह रहेगी कि मैं इस क्वेश्चंस के इस वीडियो के साथ मींस अगर आपको ये 100 क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखना है, मींस अगर आप मुझे नहीं सुनना चाहते तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे आप जो इस क्वेश्चन की मैं बनाऊंगा, ओके। पीडीएफ के आंसर्स भी उसमें रहेंगे, आप प्रैक्टिस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की और ताकि ये आपको कॉन्फिडेंस देने में काफी मदद कर सके, क्योंकि ये एग्जाम काफी बड़ा एग्जाम है। और थैंक्स फॉर नाउ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के अकाउंट क्रिएट करने की। और यदि आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट होके और आपके लिए प्रयास कर सकूं। सो थैंक्स फॉर नाउ, हैप्पी प्रिपरेशन, बाय, गुड लक फॉर।